हमारी बॉडी का जो पूरा प्रोसेस है वह रेस्पिरेशन पे है, यानी सांस पर निर्भर करता है, श्वसन पर निर्भर करता है। श्वसन में ये जो है, ये हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस लेने का मतलब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। तो ये पूरा पूरा जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है उसे मैनेज करता है, उसे तमाम तरह की परेशानियों से बचाता है। लेकिन आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो आपका ये कंडीशन चल रही है, आपकी जो लाइफ स्टाइल चल रही है उसमें काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रहे हैं, जिसके वजह से आपको फेफड़े की समस्या हो रही है, जिसके वजह से आपको हार्ट की समस्या हो रही है, जिसके वजह से आपको शुगर की समस्या हो रही है, मधुमेह की समस्या हो रही है, और यहाँ तक कि नपुंसकता की समस्या आ रही है। आखिर अब ये सोचने वाली बात है कि ये सभी समस्याएं क्या हो रही हैं? सिर्फ तीन काम आपको करना है। अगर आपने तीन काम किया और अब आज से ही अपनी लाइफ में इसे शामिल किया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप तमाम तरह की बीमारियों को हरा सकते हैं, मात देख सकते हैं। कभी आपको हार्ट अटैक की समस्या नहीं होगी, कभी आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको नपुंसकता की प्रॉब्लम नहीं होगी, और कभी आपको ब्रेन हेमरेज नहीं होगी। करना क्या होगा, सबसे पहले चाहे आप कितना भी शराब पीते हो, चाहे कुछ भी करते हो, आज से ही अभी से ही हर प्रकार के नशों को दूर करने का काम शुरू करें और नशा से दूर रहें। चाहे आप तंबाकू खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, देसी दारू पीते हैं, अंग्रेजी दारू पीते हैं, ये सब कुछ आपको छोड़ने की आवश्यकता है। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आपकी बॉडी जैस जिस हाल में चल रही है वो उसे मैं कह सकता हूं काफी हाई रिस्क पर है। आपके लाइफ के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक सर्वे के अनुसार ये साबित हो चुका है कि भारत की जो युवा पीढ़ी है, जिनकी आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष की है, उनकी मौत ज्यादा हो रही है। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनकी खराब लाइफ स्टाइल से। अगर अपने आप को लंबे समय तक फिट रखना चाहते हैं और अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं तो पहला काम आपको करना है, आज से ही शराब को अलविदा करिए। दूसरा काम करना है आपको कि इवनिंग में और मॉर्निंग में कम से कम आधे घंटे तक आप वॉक जरूर करें, एक एक्सरसाइज करें, हल्की एक्सरसाइज करें, ये जरूरी है। इसके साथ साथ अपने लाइफ से आप जितनी भी हाई फैट की चीजें हैं, हाई कैलोरी की चीजें हैं, उनको आप अवॉइड करें। अगर वो आप लेते हैं तो फिर आपकी बॉडी आपको उनको पचाने में, उनको डाइजेस्ट करने में, उनको बॉडी से निकालने में ही लग जाती है, कभी आपकी बॉडी को वो सही दिशा नहीं दे पाती है। हार्ट अटैक से बचना है तो आपने खान पान को सुधारना है, हार्ट अटैक से बचना है तो आज ही आपको शराब छोड़ना होगा, और हार्ट अटैक से बचना है तो आज ही आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें एक बार जरूर सोचिए। ये किसी सलाह की बात नहीं है, ये अगर मौत दस्तक दे उससे पहले आपको सावधान हो जाना ही आपकी बुद्धिमानी है। मैं जानता हूं कि आप काफी इंटेलिजेंट हैं, काफी तमाम तरह के तर्कों को भी आप सामने रख लेते हैं और शायद लोग आपके सामने निरुत्तर भी हो जाए, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अगर सारे तर्क आपके सही हैं, सब कुछ सही है, फिर भी मौत क्यों हो जा रही है? क्या आप अपने आप को हाई रिस्क पर रखना चाहते हैं? यदि नहीं तो आज से ही, मुझे उम्मीद नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आज से ही आप शराब को अलविदा कहेंगे और आज से ही अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करेंगे ताकि आप लंबे समय तक मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली लाइफ जी सकें, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनों के साथ।